जय हिंद। मैं हूं कमर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे ये सारे गेस्ट जो आज चर्चा करेंगे, राजनीतिक चर्चा, कुछ सामाजिक चर्चाएं भी इस पे होंगी। किसका मुद्दा है गरम और कौन होगा विजयी, किसकी बनेगी सरकार, इन सारे मुद्दों पे हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं हेमराज गुप्ता जी जो सामाजिक पक्ष रखेंगे, साद अशरफ खान साहब ये कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, विवेक श्रीवास्तव ये भी सामाजिक पक्ष रखेंगे या एनालिसिस करेंगे। भाजपा की तरफ से हैं नदीम काजी साहब और एनजीओ से हैं शहजाद साहब। आइए इन लोगों से चर्चा करते हैं कि आज किस तरह का समीकरण बनाया जा रहा है, कौन भारी पड़ेगा, किसकी किसका पलड़ा भारी है और कौन होगा विजयी, विजयी अगर होगा भी तो किस बेस पे होगा, और हमारे इस विधानसभा में, उतरौला विधानसभा में किस तरह के सामाजिक कार्य हुए हैं, किस तरह के राजनीतिक कार्य हुए हैं, कितना डेवलपमेंट हुआ है, ग्रोथ कितना हुआ है, क्या है राजनीतिक समीकरण। जी सबसे पहले तो कांग्रेस की तरफ से साद अशरफ साहब से जानना चाहेंगे कि क्या समीकरण बन रहा है, क्या लग रहा है आपको कि इस बार कांग्रेस कुछ अपना दावा यहां पेश कर पाएगी। जैसे अभी धीरू सिंह का नाम अनाउंस हो ही गया है, कांग्रेस के एक कैंडिडेट सेलेक्ट हो गए हैं, तो क्या कहना है आपको इस बारे में। सबसे पहले आप सभी को मुबारकबाद देते हैं कि आप सब हम लोग के पास में आए। देखिए कांग्रेस पार्टी की जो लहर है, समाजवादी पार्टी प्रदेश की बड़ी पार्टियों में है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, लेकिन विपक्ष की भूमिका अगर आपको निभाती कहीं दिखेगी तो वो कांग्रेस पार्टी दिखेगी, चाहे वो हाथरस का मुद्दा हो, चाहे वो लखीमपुर खीरी का मुद्दा हो, चाहे वो कहीं का भी आप XYZ किसी भी मुद्दे को उठा लीजिए, हर तरीके से प्रियंका गांधी जी सड़क से संसद तक लड़ती हुई दिखेंगी आपको, राहुल गांधी जी सड़क पर लड़ते हुए आपको दिखेंगे। और रही बात जहाँ की उतरौला की, तो उतरौला की जनता, क्योंकि यहाँ से एक स्विच ऑफ विधायक है, यहाँ के विधायक जी ऐसे विधायक हैं जो कभी किसी मुद्दे को आप लेकर जाइए वो आपकी भी पैरवी करेंगे, पक्ष विपक्ष दोनों की पैरवी कर देते हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है, बैलो गाभिन गईयो गाभिन, वो वाली है। और इस वक्त जो हमारे प्रत्याशी हैं धीरेन्द्र प्रताप सिंह धीरू सिंह जी, वो प्रदेश महासचिव हैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी मेन बॉडी में, और उन्होंने लगभग पूरे पिछले 2-3 सालों से घर घर जाकर संपर्क किया है, और पूरी उम्मीद के साथ में आप यहाँ हम लोगों से नहीं, आप अगर नुक्कड़ सभाएं आप वहाँ गांव में जाएंगे लोगों से पूछेंगे तो सबके दिलों में घर कर चुकी है कांग्रेस, और कांग्रेस की ज़बरदस्त लहर है। उतरौला सीट कांग्रेस के पक्ष में जा रही है, और उत्तर प्रदेश में जो भी सरकार बनेगी वो बिना कांग्रेस पार्टी के समर्थन के सरकार नहीं बनेगी, अगर सरकार बहुमत की कांग्रेस पार्टी नहीं बनाती। आपका कहना है जैसे विपक्ष के लिए हाथरस का मामला हो, कोई भी मामला हो, उसमें सिर्फ नहीं विपक्ष के रूप में अखिलेश का भी तो यही कहना है। महोदय विपक्ष के रूप में जनता ने समाजवादी पार्टी को चुना है, लेकिन जहां भी आपको लड़ाई लड़ती दिखेगी, कांग्रेस की 7 सीटें उत्तर प्रदेश में, 403 विधायकों में कांग्रेस के 7 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के 4 गुना विधायक हैं, लेकिन फिर भी जब आप सड़क पे लड़ते देखेंगे तो आपको कांग्रेस पार्टी लड़ती दिखेगी, कहीं पे अखिलेश यादव जी नहीं लड़ते दिखेंगे। आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के एक बहुत बड़े लीडर हैं, मुस्लिम चेहरे को इकट्ठा करते हैं। एक चीज बताएं आप, यही जब कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, विपक्ष सबसे मजबूत विपक्ष भाजपा थी, उस महंगाई को लेके जिस तरह से उन लोगों ने विपक्ष का रोल प्ले किया था और बहुत सारी चीज़ों पे उन्होंने अपने एलिगेशंस भी लगाए थे, ऑब्जेक्शन भी किया था, क्या उस तरह का विपक्ष का रोल निभा पाई है कांग्रेस? कांग्रेस विपक्ष में है ही नहीं, कांग्रेस जो है कांग्रेस को अभी जनता तो कह रहे थे विपक्ष है, विपक्ष के तौर पर लड़ाई लड़ी है कांग्रेस, विपक्ष के तौर पर कांग्रेस को उत्तर प्रदेश की जनता ने 7 सीटें दिया है, और समाजवादी पार्टी को 2017 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी से कई गुना ज्यादा सीटें दिया, लेकिन जब आप विपक्ष की लड़ाई लड़ते कहीं पे देखेंगे, विधायक समाजवादी पार्टी के ज्यादा हैं, लेकिन जब आप सड़क पे लड़ाई लड़ते देखेंगे, आप महंगाई के खिलाफ लड़ाई लड़ते देखेंगे, आप अत्याचार आप जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ते देखेंगे, तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी आपको लड़ती दिखेंगे, आपको अजय कुमार लल्लू जी लड़ते दिखेंगे, आपको सबसे पहले सभी देशवासियों को नमस्कार, क्षेत्रवासियों को। जैसा कि बहुत ही बड़ी बड़ी बातें जो है कांग्रेस के लोगों ने आप बताया, जैसे मैं सिर्फ ये कहूँगा कि बसपा और कांग्रेस जो है सब दरियाए नील में जो है सब पार्टियाँ समा गई हैं, वो सिर्फ उनका नाम नाम बचा हुआ है, लेकिन ठीक है उनका हौसला है, वो हारने के बाद भी कहते हैं कि हैं। सबसे पहली बात तो देश में पहली और प्रदेश में वो स्थिति आ गई है कि जो जनता जो जमीनी स्तर पर जुड़े हुए हैं, जैसे गरीब मजदूर यतीम पीड़ित लोगों को डायरेक्ट बीजेपी ने फायदा दिया है। भारतीय जनता पार्टी वो सरकार है जो देश की पहली सरकार ऐसी हो गई जो जमीनी स्तर से जुड़े हुए लोगों को फायदा पहुँचाया है। दूसरी बात जो कांग्रेस की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सही, महंगाई पे फायदे में महंगाई भी तो आता, महंगाई भी फायदा ही है। दूसरी बात सुन लीजिए, 70 रुपया पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ नहीं सस्ता हुआ,
सस्ता हुआ नहीं सस्ता हुआ, कहां सस्ता हुआ, सस्ता हुआ कि नहीं सस्ता हुआ। दूसरी बात, जाने के बाद में तेल का देखिए सस्ता हो रहा है नहीं हो रहा है। दूसरी बात, सारी जो है महंगाइयां धीरे धीरे कम हो रही है। और एक बार और दूसरी बात है, कांग्रेस और बसपा और ये महंगाइयां धीरे धीरे कम क्यों होती हैं, धीरे धीरे बढ़ जाती हैं? नहीं नहीं, कम होने में धीरे धीरे क्यों? डीजल पेट्रोल सस्ता हुआ कि नहीं सस्ता हुआ, कहाँ हुआ, कहाँ सस्ता, क्यों नहीं सस्ता? बीच में दिवाली को कितनी बड़ी ऑफर मिली आपको जनता को, कभी जिंदगी में इतना रुपया सस्ता हुआ था? नहीं सस्ता हुआ था। दूसरी बात, 10 रुपया सस्ता कर दिया जाए तो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो हमारे साथी पक्ष रख रहे हैं वो बिल्कुल एक लड़का जो है ना, जो नर्सरी से थोड़ा ऊपर जाएगा वो भी इस बात को समझ सकता है, उस पर एनालिसिस करने की कोई जरूरत ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी किस बेस पे काम कर रही है। कि सबसे ज़्यादा देश और प्रदेश में अगर किसी ने राज किया है तो कांग्रेस ने किया है, उसके बाद बसपा ने किया, सपा ने किया। देश की प्रदेश की इन तीनों पार्टियों ने, कांग्रेस माया अखिलेश के कार्यकालों ने मुसलमानों को तेजपत्ते की तरीके से यूज किया। आज देखते हैं जैसे खाने में तेजपत्ते को, खाना जब तक बनता है देखा जाता है तेजपत्ता खाने में है कि नहीं है, लेकिन वही खाना जब मुसलमानों को यूज तो हर किसी ने किया, भाजपा ने यूज नहीं किया, भाजपा ने उसको अगेंस्ट में यूज करके। हमारी बात सुन लीजिए, हमारे बात पहले सुन लीजिए, हमारी बात सुन लीजिए। कितने परसेंट मुसलमानों ने देश में जो है मुसलमानों ने बीजेपी के साथ दिया, कितने परसेंट मुसलमान साथ? आप ये मत देखिए, आप खुद भी तो, आप खुद भी तो मुसलमान है, नदीम काजी नाम है आपका, भाजपा अल्पसंख्यक के उपाध्यक्ष है, तो आप ऐसा कैसे कह रहे हैं? आज हम आए हैं, बहुत कम मात्रा में, बहुत कम मात्रा में मुसलमान बीजेपी के साथ दे रहा है, बहुत कम मात्रा में। वजह क्या है इसकी? लेकिन वजह क्या है देख लीजिए, मुसलमान वजह ये नहीं है कि भाजपा ने मुसलमान को अगेंस्ट करके हिंदुत्व के नाम पे, अभी तक मुसलमान अखिलेश माया कालकार के लॉलीपॉप देख करके ज्यादा था। सबसे पहले झंडा थामे अखिलेश का, कांग्रेस का, माया का, ये अदर पार्टियों का, मुसलमान झंडा थामे आगे। आप 403 विधानसभा सीटों में आप मुस्लिम 1% बीजेपी बन रही है, 1% 2% लोग मुस्लिम साथ में है। आप पैरवी कर दीजिए, अगर आपके अंदर हिम्मत है कि 403 विधानसभा सीटों में से एक मुस्लिम वोट दे। जो काम एक जनता प्रतिनिधि को पिछले 4-5 सालों में करना चाहिए, वो एक बाहर का इंसान आता है, एक साल के अंदर अपना सारा कार्यकाल जितना विधायक ने किया है अभी तक, उससे ज़्यादा हसीब खान जी ने सिर्फ 1-5 महीने के अंदर करके दिखाया है। जैसे कि क्या? जैसे कंबल वितरण, ठीक है, गरीबों का मदद करना। गरीब का कैसा मदद? गरीब का हसीब मदद खान जैसे लोग हवा हवाई लोग हैं, कहाँ जाएंगे अंदाजा भी नहीं लगेगा, 2 महीने पहले आए हैं। हसीब खान पाए या ना पाए टिकट, ठीक है, लेकिन हसीब खान ने जो कार्य किया है, कम से कम 40,000 से 50,000 लोगों को कंबल वितरण करवाया है, ठीक है। हमारे क्षेत्र में बहुत से लोगों ने कंबल वितरण में हिस्सा लिया है। जी विवेक जी, क्या कहना है? ये आपने भी महंगाई महंगाई किया, और पूरे उत्तर प्रदेश में दो दो मुद्दा बहुत तेजी से गूंज रहा है, महंगाई और बेरोजगारी, ठीक है। अब महंगाई का जो मसौदा है आपका, देखिए जैसे आंधी आई, पानी आया, तूफान आ गया, कुछ हो गया, घर में समस्या आ गई, गरीबी आ गई, छत पे कुछ विस्फोट हो गया, कुछ गिर गया, तो पूरा परिवार उसका मिलकर सामना करता है। कोरोना जैसी विश्वव्यापी महामारी आई, ठीक है, पूरा कारोबार बंद हो गया, 2-3 महीने तक पिछले साल बंद रहा, महीनों तक इस साल बंद रहा, अभी भी लोग हिम्मत नहीं कर पा रहे हैं कि बहुतायत में जाके किसी व्यापार प्रचार प्रसार में आगे बढ़ें। फिर वैक्सीन का निर्माण हो रहा है, वैक्सीन को पहुंचाया जा रहा है, उसको लगवाया जा रहा है। आखिर ये बताइए, जब देश अपना ही तो है, ठीक है, सरकार कोई बाहर से तो आके हमारा प्रयास कर नहीं रही हम लोगों के लिए कुछ करने का, तो अगर कुछ कर रही है तो कुछ उसका घाटा भी तो होगा। और मान लीजिए अगर मुसीबत आई है, एक सेकंड, जैसे विश्वव्यापी समस्या है, तो वो समस्या जब आई है तो उस समस्या को हम लोग सब लोग मिलके तो देखेंगे। अब अच्छा, अब जो बेरोजगारी की बात है, बेरोजगारी पे मैं एक चीज़ कहेंगे, आप सब बताइए, आप सब जानते हैं कि सबसे ज़्यादा नकल करा के पास कराने वाली पार्टी कौन सी थी? समाजवादी, ठीक है, समाजवादी पार्टी के शासन में सबसे ज़्यादा नकल करके लोगों ने पास किया, आज वही लोग बेरोजगार हैं। मैं एक प्रश्न पूछ लूँ, मैं एक प्रश्न और पूछ लूँ आपसे, ठीक है, कि अब ये बताइए, समाजवादी पार्टी ने सबसे ज़्यादा नकल करा के पास कराया, अब आप ही रो रहे हैं कि मैं कैसे लूँ। आप पत्रकार हैं, आप अपने चैनल में किसी ऐसे आदमी को लेंगे जो 100 में 98% नंबर लेकर आया हो, और जिसको ठीक से भी बना पता हो कि कौन से सब्जेक्ट से पास हुआ है? फिर अगर वो बेरोजगारी बेरोजगारी रोएंगे तो उनको रोजगार देने कौन जा रहा है? अब एक पहलू और, जहां तक रही बात मुस्लिम वोट की, तो मुस्लिम को सबसे ज्यादा इस्तेमाल जानते किसने किया है? उनके अपने ही मौलवियों ने, मुफ्तियों ने।
जो उनको पढ़ने नहीं दिया, उनको शिक्षित नहीं होने दिया। देखिए रियासतें पर रियासतें थीं भारत जब आज़ाद हुआ, ठीक है, और धीरे 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 सारा का स्तर गिरता चला गया। अब वो एक बड़े बहुत बड़े कवि हैं मुनव्वर राणा साहब, वो कह रहे थे कि मुसलमान किसी तरीके से गरीबी में पंचर जोड़ के कमा रहा है। शर्म नहीं आती आपको? मुसलमान पंचर जोड़ने वाली कौम से जोड़ दिया आपने जी, बिल्कुल। क्या करना क्या चाह रहे हैं अब इस कौम के साथ? देखिए इसने भी कुर्बानी दी, अब्दुल हमीद साहब ने कुर्बानी दी, बहुत सारे लोगों ने भारत की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी है, फिर क्या हो गया? आप इस कौम को आप पढ़ने ही नहीं देंगे जी? जी क्या कहना है भाई साहब ने कई बातें कही हैं। मैं सबसे पहले मैं वैक्सीनेशन पे, कांग्रेस की जब सरकार थी तो बहुत सारी महामारियां आई थी, लेकिन उस वक्त भी फ्री टीका दिया गया था, बहुत से फ्री में वैक्सीनेशन किया गया था, लेकिन किसी प्रधानमंत्री ने अपना प्रचार उस पर नहीं किया था। वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पे प्रधानमंत्री मोदी जी खुद की फ़ोटो छापते थे, मैंने उसका विरोध किया था, मैंने अपने सर्टिफिकेट पे उनका फ़ोटो हटाया, मेरा लगाया, क्योंकि मैं भी जितना मैं भी कर दाता हूँ। आपने दो तीन बातें कही हैं, हमको जवाब देने दीजिए। रही बात मुसलमान की, तो मुसलमान यहाँ पूरी दुनिया पे हावी है और उसने अपना वजूद बनाया है। उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में मुसलमान को किसी के पीछे चलने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये देश चूंकि सेकुलर कंट्री है, 1947 में जब ये देश आज़ाद हुआ, हमारे आबा अजदाद ने जब खून बहाई, महोदय इतिहास गवाही देता है कि मेरठ से लेकर दिल्ली तक एक भी पेड़ ऐसा नहीं था जिसपे उलमा इकराम की लाशें नहीं थी। ये बहुत हिंदू मुसलमान से भावना की ऊपर उठे लोगों ने अपने खून को पानी की तरह बहाया, तब आज हम आज़ाद देश में हैं। ये देश सेकुलर देश है। अगर यहाँ पर अगर यहाँ हम कमंडल की बात करेंगे, किसी एक कम्युनिटी की बात करेंगे, तो हिंदुस्तान की बात अधूरी रह जाएगी, हिंदुस्तान की बात बिल्कुल अधूरी रहेगी। कांग्रेस खाली एक चीज का जवाब दे दे कि वो राहुल और गांधी, ठीक है, एक साथ कैसे हो गए। दूसरी बात, राहुल और प्रियंका, मतलब इनकी पूरी पार्टी का इतना बड़ा लोकतंत्र, इतना बड़ा समाजवाद है कि इनके पास इन दोनों के अलावा कोई चेहरा ही नहीं। राहुल जी, प्रियंका जी, भारत मतलब कांग्रेस में बुद्धिजीवियों की संख्या सिर्फ दो है, एक राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। आज मोदी जी और योगी जी, स्वामी प्रसाद मौर्य चले गए बेटे का, स्वामी प्रसाद मौर्य बेटे को टिकट ना मिलने छोड़ के चले गए कांग्रेस से, न छूटा राहुल और प्रियंका का नाम। जी खाली नहीं, आप जवाब इस बात का दीजिए कि राहुल और प्रियंका के विकास की बात, सिर्फ अखिलेश ही विकास लाएंगे, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? क्या भाजपा ने विकास नहीं किया? तो आप बता दीजिए कि भाजपा ने क्या किया है। ये तो आप बताएंगे कि भाजपा का विकास कैसा रहा। देखिए अगर देखा जाए, अखिलेश यादव ने जितना विकास किया उतना किसी पार्टी ने हमारे क्षेत्र में विकास नहीं किया है, ठीक है। अगर कोई एक मुद्दा है बीजेपी के हैं, अभी तो उनका शासन काल है, उनसे आपको सवाल करना चाहिए कि उन्होंने क्या किया है, ठीक है, ये हमसे नहीं करना चाहिए। आज तक उत्तर प्रदेश के प्रथम चीफ मिनिस्टर से लेकर के अखिलेश यादव तक की बात करिए, उत्तरौला विधानसभा क्षेत्र में कोई नया विधानसभा नहीं है, कितने मुख्यमंत्री आपके यहाँ आ चुके हैं? अखिलेश यादव, मुलायम सिंह यादव सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में आते थे, लेकिन उत्तर प्रदेश का प्रथम ऐसा मुख्यमंत्री ऐसा है, उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जैसे हैं कि आपके बाढ़ पीड़ित में दो तीन दिन बाद आगे देखते हैं। जी के सवाल को मैं आसान कर देता हूं, हमें ये बताइए, हमें ये बताइए आपके बारे में सर, हमें एक चीज ये बताइए कि सिलेंडर आप कितनी कठिनाइयों से अपने घर लेकर आए हैं। आप सबको पता होगा पिछले 10 साल में सिलेंडर आपके अपने घर आता है। अब पहली चीज, सौभाग्य योजना में बिजली के तार गाँव गाँव के अंदर चले गए, और सड़कें जितनी इस सरकार ने बनाई है, मैं सरकार का नहीं हूँ ना, मैं किसी भी तरीके से इस पार्टी का ना प्रवक्ता हूं ना मेंबर हूं, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूं आपको कि सड़क बिजली और सिलेंडर पर, स्वच्छता पर जितना कार्य इस सरकार ने किया है कोई सरकार ने नहीं किया जी। अब क्या कहना है, विकास इनके पास से मैं थोड़ा सहमत हूँ, पूरी तरीके से नहीं। देखिए सिलेंडर जैसे कह रहे हैं कि बहुत आसानी से मिल रहा है, लेकिन महंगा भी तो हुआ है। अगर पिछले कार्यकाल की सरकार की हुआ है, सब्सिडी काटी गई है, बहुत सारी चीजें हैं। पहले जो उतरौला विधानसभा के विकास पे आप लोगों का क्या कहना, उतरौला विधानसभा डिस्ट्रिक्ट बलरामपुर, उतरौला विधानसभा का, उतरौला का विकास उस दिन सुनिश्चित होगा जिस दिन मैं पैदा हुआ हूँ। हम लोगों से, हमारे बाप दादाओं से एक किस्सा विरासत मिला है उतरौला में रेलवे का। उतरौला पूर्ण रूप से विकसित उस दिन होगा जिस दिन उतरौला में रेलगाड़ी चल जाएगी। 2018 में मनोज सिन्हा
जी आए थे वो इस वक्त एलजी हैं कश्मीर के, मनोज सिन्हा जी आए उतरौला में, मैं बात क्लियर कर दूं। जब मनोज सिन्हा जी आए थे 48-49 हजार करोड़ रुपए पास है रेलवे के लिए। बात मुद्दे की हो रही, हमारे क्षेत्र से जुड़ा एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिसमें हमारे कई बड़ों ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी है लेकिन नहीं पूरा हुआ है। तो जब रेलवे के लिए उन्होंने कहा कि जमीन परसीमन किया जा रहा है, जमीन की सुनिश्चित की जा रही है, वहाँ पे तरक्की होगी, आज 3 साल बीत गए हैं अभी तक जमीन नहीं सुनिश्चित की गई है। उतरौला का पूर्ण रूप से सही तरीके से विकास, बहुत सारी विकास की चीजें हैं लेकिन उतरौला सही तरीके से विकसित उस दिन होगा जिस दिन उतरौला में रेलवे प्लेटफॉर्म होगा। हमारे आने जाने वाले जो हमको गोंडा तक का सफर करना पड़ता है और रास्ते में बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं, हम अपनों को खो देते हैं, जिस दिन उतरौला में रेलवे आ गया उतरौला का डेवलपमेंट को किसी की मोहताजगी की जरूरत नहीं पड़ेगी, उतरौला ऑटोमेटिकली विकास के पथ लाएगा। कौन? कांग्रेस लाएगी, हम लाएंगे, हम यहाँ के निवासी, हम लड़ाई लड़ेंगे। इस सरकार में सबसे बड़ी सुविधा इस बात की है कि अगर आप किसी बात के लिए आवाज उठाते हैं तो आपकी आवाज को समाज में स्थान दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, आवाज आपकी सुनी जाती है। आप ये कैसे कह सकते हैं अभी किसानों ने 1 साल तक आवाज उठाया, उसके पहले इस बात का जवाब नहीं, इस बात का जवाब देने के लिए तो सबसे पर्याप्त और सक्षम आदमी चारों लोगों में मैं इसलिए हूँ क्योंकि हमने अपना दिल्ली का सारा सब कुछ सेटअप, सारा कारोबार छोड़ के खेत में पैर रखा आज से 3.5 साल पहले। ठीक है, इतने आंदोलन, टीचर के आंदोलन हुए, किसने इसका मैं इसका जवाब नहीं है। अभी तक हमारे क्षेत्र में सारे किसानों का, समझ रहे हैं, गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हुआ है, समझ रहे हैं। हमारे यहाँ के विधायक हाथ पे हाथ धरे बैठे हुए हैं, हमारे यहाँ के सांसद हाथ पे हाथ धरे हुए, कभी भी इस मुद्दे पे कोई बात नहीं किए हैं। किसान परेशान है पूरी तरीके से, उसको 1,000 रुपए या 2,000 महीने भेज देने से आपके सरकार के बारे में किसान का पहलू, इसलिए पहले मैं बोलूंगा जी, ऐसा ना, किसान की जो समस्या है वो आपको कभी समझ में नहीं आएगी क्या है, क्योंकि किसान की समस्या देने वाली ना सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस है। तो हमें किसान की समस्या, किसान की समस्या ना यहाँ से नहीं शुरू होती, किसान की समस्या एग्रीमेंट PL 48 से शुरू होती है। उसके लिए बहुत कुछ पढ़ना समझना पड़ेगा। जो खेत हमारे सब कुछ शुद्ध सुरक्षित दे रहे थे, आज हमारे खेत में जहर लहला रहा है। ठीक है, और सुनिए, आज की डिस्कशन बस यहीं तक, फिर आपको मौका दिया जाएगा, फिलहाल हम लेते हैं एक छोटी सी विदा, अगले एपिसोड में हम फिर हाजिर होंगे।